दोस्तों, जब भी भारत में इंजीनियर्स के कारनामों की बात आती है तो उसमें हावड़ा ब्रिज का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और अगर किसी फिल्म में कोलकाता का सीन दिखाना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता जिसमें हावड़ा ब्रिज का शूट या सीन ना हो, चाहे वो पीकू हो या गुंडे। यानी अगर ये कहें कि हावड़ा ब्रिज ही है जिसके लिए कोलकाता अपनी मिठाइयों से भी ज्यादा फेमस है। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि हावड़ा ब्रिज कितना फेमस है, लेकिन शायद हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि आखिर इस ब्रिज की बनने की कहानी क्या है और आखिर क्यों इसे इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको इस ब्रिज से जुड़ी हर वो बात बताएंगे जिसे बतौर भारतीय आपको जानना जरूरी है। कोलकाता और हावड़ा के बीच हुगली नदी पर पहले कोई ब्रिज नहीं था। नदी पार करने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया थी। बंगाल सरकार की ओर से साल 1871 में हावड़ा ब्रिज अधिनियम पारित होने के बाद साल 1874 में सर ब्रैडफोर्ड लीसली ने नदी पर पीपे के पुल का निर्माण कराया। साल 1874 में 22 लाख रुपए की लागत की कीमत से नदी पर पीपे का पुल बनाया गया, जिसकी लंबाई 1528 फीट और चौड़ाई 62 फुट थी। फिर 1906 में हावड़ा स्टेशन बनने के बाद धीरे धीरे ट्रैफिक और लोगों की आवाजाही बढ़ने लगी। तब इस पुल की जगह एक फ्लोटिंग ब्रिज यानी तैरता हुआ पुल बनाने का फैसला किया गया, लेकिन तब तक पहला विश्व युद्ध शुरू हो चुका था, इसी वजह से काम शुरू नहीं हो पाया, जिसके बाद युद्ध बीता और साल 1922 में न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन का गठन करने के कुछ साल बाद इसके लिए टेंडर जारी किया गया। तब जर्मनी की एक फर्म ने सबसे कम पैसे का टेंडर भरा था, लेकिन तब जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन के आपसी संबंधों में भारी तनाव रहने की वजह से जर्मनी की उस कंपनी को इस पुल को बनाने का ठेका नहीं दिया गया। बाद में ये काम ब्रेथवेट बर्न एंड जोसेफ कंस्ट्रक्शन कंपनी को सौंपा गया। अगर बात इस कैंटिलीवर ब्रिज को बनाने की करें तो इसमें 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है और उस वक्त में इतना स्टील इकट्ठा कर पाना एक बड़ा टास्क था। लेकिन पुल का निर्माण बहुत जरूरी था, इसलिए देश की बड़ी स्टील बनाने वाली लगभग इकलौती कंपनी टाटा ने अपने पास से स्टील बेचने की बात कही। इसी कारण डिमांड में से 23,500 टन स्टील की सप्लाई टाटा ने की। यानी अगर देखें तो ये पुल एक तरह से टाटा का ही पुल है। स्टील मिलने के बाद हावड़ा ब्रिज का डिजाइन तैयार किया गया, क्योंकि यहाँ अंग्रेजों की एक शर्त थी कि ब्रिज चाहे जैसे भी बने, लेकिन ब्रिज के नीचे कोई पोल नहीं होना चाहिए, ताकि ब्रिज के नीचे से निकलने वाली बोट्स को कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए हावड़ा ब्रिज की जब डिजाइन तैयार की गई, तो उसमें सिर्फ 4 खंबे ही बनाने की बात हुई जो दोनों सिरों पर लगने वाले थे, जिसका मतलब ये है कि पुल के बीच में कोई भी खंबा नहीं है, ना ही पुल को तारों से लटकाया गया है। पूरा ब्रिज महज नदी के दोनों किनारों पर बने 28 फीट ऊंचे दो पायों पर टिके हुआ है। इसके दोनों पायों के बीच की दूरी 1,500 फीट है। नदी में कहीं कोई पाया नहीं है, जो कि अपने आप में एक अजूबा है कि कैसे बिना खंभों के भी ये पुल करीब 150 सालों से खड़ा है। इसके साथ ही हैरान कर देने वाली बात ये है कि पुल के निर्माण में स्टील की प्लेट्स को जोड़ने के लिए नट बोल्ट्स की बजाय धातु से बने कीलो यानी रिवेट्स का इस्तेमाल किया गया है। खैर जो भी हो, लेकिन पुल तैयार हो गया। तैयार होने के बाद ये दुनिया में अपनी तरह का तीसरा सबसे लंबा ब्रिज बना। हावड़ा ब्रिज दुनिया का एकमात्र ऐसा ब्रिज है जिसका आज तक उद्घाटन नहीं हो पाया है। दरअसल जब ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ था, उस समय द्वितीय विश्व युद्ध पूरे शबाब पर था, इसलिए तय किया गया कि इसके उद्घाटन के मौके पर कोई धूमधाम नहीं होगी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना ने इस ब्रिज को नष्ट करने के लिए भारी बमबारी की थी, लेकिन संयोग से ब्रिज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कोलकाता और हावड़ा को जोड़ने वाला ये ब्रिज जब बनकर तैयार हुआ तो इसका नाम न्यू हावड़ा ब्रिज रखा गया। 14 जून 1965 को गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर इसका नाम रविंद्र सेतु कर दिया गया, लेकिन आज भी लोग इसे हावड़ा ब्रिज के नाम से ही जानते हैं। सबसे ज्यादा रोचक बात तो ये है कि आज इससे रोजाना लगभग 1.25 लाख गाड़ियां और 5 लाख से भी ज्यादा पैदल यात्री गुजरते हैं।
लेकिन अगर शुरुआती समय की बात करें तो ये ब्रिज बनने के बाद इस पर पहली बार इससे एक ट्रैम गुजरी थी, लेकिन बाद में ट्रैफिक बढ़ने की वजह से इस ब्रिज से ट्रैम के गुजरने पर बैन लगा दिया गया। एक और बात इस ब्रिज के बारे में बहुत ही रोचकता के साथ सुनाई जाती है कि ब्रिज दोपहर 12 बजे और रात के 12 बजे बंद कर दिया जाता है। इसके पीछे जो कारण है उसके अनुसार हावड़ा ब्रिज के इंजीनियर्स ने इस पुल के बनने के बाद कहा था कि ये पोल अगर कभी गिरता है तो 12 बजे ही गिरेगा, लेकिन उसने नहीं बताया कि 12 बजे दिन के या 12 बजे रात के। इसलिए हर दिन दोपहर के 12 बजे और रात के 12 बजे इस पुल को बंद कर दिया जाता है, लेकिन कई लोग इस बात को पूरी तरह से नहीं मानते। लेकिन इस पुल का दो बार बंद होना अपने आप में हैरान कर देने वाली बात जरूर है। इसके अलावा एक और बात है जो इस ब्रिज के बारे में कही जाती है, वो ये कि ऐसा माना जाता है कि हावड़ा ब्रिज की कोई चाबी है जिसे ब्रिटिश कंपनी ने भारत को नहीं दिया। अब ये बात क्या थी इसे सुनकर आप चौंक सकते हैं। कहा जाता है कि पुराने जमाने में इस चाबी से ब्रिज को बड़े समुद्री जहाजों के लिए खोल दिया जाता था, यानी अगर इसे ब्रिज गेट कहे तो कुछ गलत नहीं होगा, पर इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अगर हालिया स्थिति की बात करें तो इंजीनियर्स का कहना है कि हावड़ा ब्रिज के खंभों को अब जंग लगने लगा है और इस जंग की वजह है पान। इस पुल से रोजाना लाखों लोग पान चबाते हुए गुजरते हैं और थूकते हुए निकल जाते हैं। इंजीनियर्स बताते हैं कि जिन खंभों पर ये पुल टिका हुआ है उनमें से कुछ के आधार की मोटाई पिछले 3 साल में आधी रह गई है। इस बात से आप समझ सकते हैं कि पान चबाने और थूकने की वजह से इतना बड़ा पुल अपने आप को ही खोता जा रहा है। इसके अलावा भी 2005 में नदी से गुजरता हुआ एक कार्गो शिप इस पुल के बीच में फंस जाने के कारण भी इस पुल को कुछ हद तक नुकसान देखने को मिला था। पक्षियों द्वारा हावड़ा ब्रिज पर की जाने वाली गंदगी से कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट काफी परेशान है, क्योंकि इससे ब्रिज को केमिकल लॉस हो रहा है। इसलिए ट्रस्ट हर साल ब्रिज से पक्षियों की गंदगी हटाने के लिए 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट देता है। इस पूरे ब्रिज को पेंट करने के लिए 26,500 लीटर पेंट की खपत होती है, जिसमें लगभग 65 लाख रुपए का खर्च होता है। 2005 की शुरुआत में इसकी मरम्मत कराई गई थी, जिसमें 8 टन स्टील की खपत हुई थी। इस पूरी प्रक्रिया में 50 लाख रुपए का खर्च हुआ था। इसके अलावा भी ये ब्रिज भारत के इतिहास और खास तौर पर कोलकाता के इतिहास का एक बड़ा हिस्सा रहा है। इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसी धरोहरों को बचा कर रखें। बाकी आपको हावड़ा ब्रिज के बारे में और क्या पता है, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, और ऐसे ही रोचक और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल अमेजिंग लाइफ को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों